एक भी मारा तो दुनिया एरिटा विस्टा, लेकिन उसकी इसकी इमारतें नजर नहीं आ रही है। सिंस इस बोर्ड के नजदीक है हम लोग तो ये नजर आ रही है, बट इसकी इमारतें नजर नहीं आ रही है। आप देख सकते हैं अब नजर आ रही है ये, क्योंकि हम लोग नजदीक पहुंचे हैं और धूप हो रखा है। और ये अपना स्पेंसर मॉल बगुला दाम दे चीनी अब दाम दे सिर पर सबसे लेते जो, और लास्ट में क्या लाइन था याद नहीं आ रहा। गाँव है अपना गाँव, इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसो। ये क्या है, ये किसी किसी चीज का बाउंड्री देख रहा था ना, कोई कंस्ट्रक्शन है उसको देख रहे। ओहो जो विनोद ने जो घर लिया था ना भैया उसी का है शायद। रिकॉर्डिंग चल रहा है यार, एक दो करके पड़ रहा है। धनिया है क्या जी, धनिया का खुशबू। हाँ मासी धोने पत्ता कितना की है, धोने पत्ता कितना धनिया पत्ता खेत। वाह सही है, तो वाह खुशबू से नहीं पता चला। बस ठंड लिए दोस्तों, अगर आप शाहपुर जी में रहते हैं, आप शहर के वातावरण से उब चुके हैं, आपको अपने गांव की याद सता रही है, आप गांव की खुशबू गांव की मिट्टी के खुशबू का आनंद लेना चाहते हैं, गांव के खेतों का आनंद लेना चाहते हैं, तो शाहपुर जी के पीछे है कांटा गांव। आइए वहां पे हम लोग आए हुए हैं। और ये धनिया पत्ता के खेत है, धनिया के खेत, धनिया है पत्ता है ही नहीं। तो बड़ा हो गया ना भैया इसलिए ऐसा हो गया, ये तो बड़ा हो गया ना। अच्छा। धनिया तो छोटा में ही लोग तोड़ लेता है। हाँ, खुशबू भी आ रही है धनिया की, जो खुशबू होता है वो है। धान की खेती हो रखी है भैया, गांव में आए देखिए कहीं सांप बाबा ना निकल जाए कहीं से। नहीं सुबह सुबह सांप नहीं निकल, सो रहा होगा ना। ये क्या चीज का खेती है, ये सरसों है। सरसों है सरसों आपको इसे पता नहीं चला क्योंकि आप सरसों का वो फूल देखे ना, ये पक चुका है अभी, सरसों नहीं कटेगा कुछ दिन बाद। और गांव में देख सकते हैं कुहासा ही है, कुहासा चारों तरफ। लेकिन एक बात मैंने देखा कि यहाँ के गांव में, यहाँ के गांव की दुर्दशा है, जो गांव शहरी इलाकों से जुड़े हुए हैं ना के आसपास में है, उनकी अवस्था आपको थोड़ी अच्छी दिखेगी, लेकिन जो दूर दराज के इलाके हैं शहर से, वहाँ के गांव की अवस्था मैं ये कहूँ कि दुर्दशा है, मैं ये कहता हूँ। क्योंकि मुझे याद है मैं जब शाहपुर जी की तरफ से यूनिटी की तरफ जाते हैं, वो जो कुलबेरिया गांव पड़ता है उसमें सड़क ही नहीं था कितने दिनों तक, और अभी भी इस गांव में आप आए हैं कहीं भी देखिए बिजली की व्यवस्था नहीं है, मतलब बिजली की पोल दिखेंगे आपको लेकिन ये अंधकार में रहता है सारा रास्ता, पूरी रात अंधकार में रहता है। और इसके बगल में भी जो गांव है वहां भी पूरा अंधकार रहता है गांव में। मैंने यहाँ के लोगों से पूछा था, बातचीत की थी कि क्यों अंधकार रहता है, ये बिजली की व्यवस्था क्यों नहीं है, सड़कों पर बिजली क्यों नहीं है, तो उनका कहना था कि भैया यहाँ से तो जो ऐसा नहीं है कि प्रधान, मतलब जो यहाँ का जो प्रधान है वो इस बातों पे ध्यान नहीं देता। तो मैं ध्यान नहीं देता आप लोग वोट क्यों देते हो, बोला कि नहीं यहाँ पार्टी एमसी पार्टी का दबदबा है तो मजबूरन हमें उन्हें वोट देना पड़ता है, लेकिन वो गांव के विकास के लिए कुछ नहीं करते हैं। ये गलत है, ये इस राज्य को एक उदाहरण के रूप में आगे आना चाहिए इन सब कामों में। पश्चिम बंगाल में ही सबसे ज्यादा धान की खेती होती है ना। ये देखो अब एक जबरदस्त, मतलब इसका नाम है जानते हो क्या, कौन सा, भटकुइया। ये है भटकुइया, भटकुइया ये भटकुइया है, अभी कच्चा है ये वाला, बचपन में बहुत खाते थे। तो भटकुइया ये बड़ा हो जाता है ना तो वो ये लोग बाहर बेचते हैं, तो क्या नाम है, मैंने खरीदा था 150 रुपये किलो था, ये 150 रुपये किलो मैं खरीद के ले गया था, टमाटर की तरफ था। जान पहचान बहुत है तुम्हारा। अरे सब्जी वाले हैं वो, सब्जी वाला।
गांव का खुशबू आ रहा है। नहीं मजा आ रहा ना, धनिया का पत्ता का खुशबू, थोड़ा हाथ में लगा लेते हैं। देखिए काटा मत छू लीजिएगा, काटा काटा भी है काटा मत रगड़ लीजिएगा। बंद कर दे।